Good morning everyone, this is Dharti Mambudiyu. Today is your lecture number 49 of the chapter genetics and your topic is translation. Before this, हमने किया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और उससे पहले भी हमने देखा कि सेंट्रल डोगमा में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन अकर होता है और किस तरह से ट्रांसलेशन अकर होता है, तो वहाँ से आपको एक रफली आइडिया मिल गया था. अब हम देखते हैं आज की ट्रांसलेशन क्या है. सबसे पहले इसकी डिफाइन देखिए. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द कोडेड जेनेटिक मैसेज ब्रॉड बाय mRNA फ्रॉम DNA इज चेंज इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन विद द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स प्रेजेंट ओवर द mRNA. तो mRNA से अगर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन. क्लियर? और ट्रांसलेशन में प्रॉपरली एक मशीनरी यूज़ होती है, कंटेंट्स यूज़, कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं. उनमें देखिए क्या क्या यूज़ होता है. सबसे पहले यूज़ होता है उसमें राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के बारे में आपने सुना होगा कि दैट इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री. सिमिलरली वी हैव द अमाइनो एसिड्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें. देन वी हैव द tRNAs, दैट इज़ ट्रांसफर RNAs. देन एक एंजाइम है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ये भी इसमें यूज़ होता है. देन वी हैव द mRNA. सो दीज फाइव आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन मशीनरी. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सी द फर्स्ट वन, दैट इज अ राइबोसोम. राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहा जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. बेसिकली दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. देन ये अकर होते हैं साइटोप्लाज्म में भी और कुछ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स में भी. जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, देन वी हैव द प्लास्टिड इज देयर. और जो ऑर्गेनली में राइबोसोम होते हैं वो 70S नेचर के होते हैं. साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर 70S इन प्रोकैरियोट्स एंड 80S इन यूकैरियोट्स. ये सब आप एक बार 11th में स्टडी कर चुके हैं, बट मैं दोबारा से इसे डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ये याद आ जाए कि इसमें क्या क्या होता है. ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं और 80S किस में होते हैं? यूकैरियोट्स में. देन ईच राइबोसोम हैज़ टू पार्ट्स. दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ डोम शेप्ड लार्जर सब यूनिट एंड द सेकेंड वन इज़ अ स्मॉलर सब यूनिट. और ये जो लार्जर सब यूनिट होती है ये फिट होती है स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर और अटैचमेंट के लिए इसमें मैग्नीशियम आयन यूज़ होते हैं. ठीक है, और लार्जर सब यूनिट इस तरह से वहाँ पे होती है जैसे कैप अटैच हो स्मॉलर सब यूनिट पे. देन जो लार्जर सब यूनिट है ये 60S की होती है यूकैरियोट्स में और 50S होती है प्रोकैरियोट्स में. एंड इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ RRNAs इन प्रोकैरियोट्स एंड थ्री टाइप्स इन यूकैरियोट्स. देन स्मॉलर यूनिट जो होती है राइबोसोम की वो 40S होती है यूकैरियोट में एंड 30S होती है प्रोकैरियोट में. ये जो S है यहाँ पे, दिस इज अ स्वेडवर्ज यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. क्लियर? देन इट कंटेन्स द वन RRNA. देन जो स्मॉलर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, इट हैज़ एन एरिया फॉर रिकॉग्निशन एंड द अटैचमेंट ऑफ mRNA. यहाँ पे टाइपिंग में mRNA का जो स्पेलिंग है या वे है लिखने का वो गलत हो गया है. m स्मॉल होता है एंड RNA इज इन कैपिटल. देन लार्जर सब यूनिट हैज़ ग्रूव फॉर एग्जिट ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड. जो भी नया पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो उस ग्रूप से बाहर चला जाएगा. एंड हैविंग एन एंजाइम जिसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज फॉर पेप्टाइड फॉर्मेशन एज वेल. देन बिसाइड्स दीज देयर आर पी एंड ए साइट, जिसे डोनर एंड एक्सेप्टर साइट भी बोला जाता है. पी एंड ए साइट्स वेयर mRNA रिसीव्स अ tRNA. क्लियर? देन वी हैव द सेकेंड कॉम्पोनेंट अमाइनो एसिड्स. सो 20 अमाइनो एसिड्स आर देयर दैट टेक पार्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द प्रोटीन्स एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ प्रोटीन अमाइनो एसिड एज वेल. देन वी हैव द tRNAs. They are the smallest of RNAs which possesses a loop for attachment to ribosomes and a loop for attachment to enzyme aminoacyl synthetase as well. Then fourth part is the aminoacyl tRNA synthetase. This is an enzyme and this enzyme specific for combining a particular tRNA to its particular amino acid. तो इसका काम सिर्फ tRNA को, वो भी स्पेसिफिक tRNA को स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ अटैच करना होता है. देयर इज अ सिंथेटिक एंजाइम फॉर ईच टाइप ऑफ द tRNA.
Then we have the mRNA, that is a messenger RNA. It carries a coded information from one or more cistron of DNA for translation over the ribosomes. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैसेंजर आरएनए है, इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा. ईच मैसेंजर आरएनए हैज अ कैप रीजन फॉर अटैचमेंट टू अ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स. क्लियर? तो ये थे ट्रांसलेशन में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं. कल हम करेंगे फर्दर इसका जो कंटिन्यूशन में है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. लेट अस सी कि आज हमने क्या किया है. हमने देखा कि ट्रांसलेशन क्या होता है और इसके फर्दर कंपोनेंट्स क्या है. Clear? So this is all for today. We will continue in the next lecture. Have a great day.